जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब ये निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे तीन मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीजन भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भी ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये तीन प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लग्न की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, करम भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये तीन प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि आखिर ये तीन ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च के हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता अपार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये तीन प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं वृषभ राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र इस दौरान पहले तो मकर राशि में रहेंगे,
फरवरी में, मार्च में यहाँ आ जाएंगे और अप्रैल में वहां पहुंच जाएंगे। यानी भाग्य, कर्म और लाभ और उच्च के स्थान पर शुक्र का गोचर होगा। राशि का मालिक बली है, राशि का मालिक बली है, तो इस दौरान जिस काम में हाथ डालेंगे वो बली हो जाएगा। तो पहली बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन शुक्र से मिल गई कि हमने जो काम किया उसमें हमें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरी राशि का लॉर्ड मजबूत है। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्लैनेट्स को देखते हैं। देखिए मंगल को देखिए, मंगल 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होके है, उच्च का प्लेनेट नवम भाव में। मैं अपनी सारी एनर्जी अपने भाग्य को बनाने में लगाऊंगा क्योंकि मैं उच्च का हूँ 9th हाउस में, मैं शनि की राशि में उच्च का हूँ, मैं मंगल हूँ। मेरा नाम जोश से जोड़ा गया है, ये शनि की राशि में शनि को धैर्य से जोड़ा गया है, यानी शनि और मंगल का एक साथ जुड़ना इस बात को दर्शाता है। एक बात, दूसरी बात हमारे लिए क्या होगी, 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, इस दौरान विवाह वैवाहिक संबंध बनेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, अच्छी पद प्राप्ति होना या कार्य क्षेत्र या काम करते हुए पद प्राप्ति का अनुभव होना या अच्छी कोई पोस्ट मिल जाना भी यहाँ से संभव है। एग्जॉल्टेड मंगल 12th हाउस को देखता है, यानी टूर, ट्रेवलिंग, यात्रा, विदेश यात्रा, दूर की यात्राओं से लाभ मिलेगा, ये उच्च का मंगल है। फिर यही उच्च का मंगल आ जाएगा 16 मार्च को दशम भाव में, यहाँ जाके वो दिग्बली भी हो जाएगा, यहाँ जाके वो कह सकते हैं जी केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया। पहले केंद्र का मालिक त्रिकोण में था, अब केंद्र का मालिक केंद्र में, केंद्र के ही मालिक शनि के साथ, यानी स्थिति क्या हुई, प्रबल हुई, मजबूत हुई। तो ये मंगल का कनेक्शन यहाँ बना। अब द्वादशेश होके मंगल दशम में गया है, इसका मतलब इस दौरान फिर से वही स्थिति है कि कहीं ना कहीं आपका कर्म कार्य क्षेत्र आने वाले समय में बाहर से जुड़ता दिखाई देता है। तो मंगल आपके लिए हुए बेहद पॉजिटिव। दूसरा प्लेनेट शनि, शनि दशमेश होके दशम भाव में, पहले मंगल शनि की राशि में उच्च का था, उसके बाद मंगल यहाँ आ गया, यानी शनि को दोनों तरफ दोनों राशियों से बल मिल रहा है। शनि शुक्र की राशि के मित्र भी हैं, शनि परम मित्र हैं शुक्र के। इसका मतलब क्या है कि शुक्र को बल मिला शनि की वजह से, क्योंकि शनि योग कारक होकर बली हो गए। अब शुक्र का भी मैंने आपको बताया था, मार्च में यहाँ, अप्रैल में यहाँ, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में यहाँ, यानी शुक्र का बल भी लगातार शनि को मिलता है। अब शनि यहाँ पर मार्च के एंड तक जाते जाते बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, और बृहस्पति को कहा जाता है धन का कारक, यानी योग कारक शनि, भाग्य कारक शनि, कर्म कारक शनि बृहस्पति जैसे ग्रह के नक्षत्र में जाते हैं और उनका साथ होता है मंगल से। पहले मंगल यहाँ बल दे रहा है, फिर उसके बाद मंगल यहाँ बल देगा, यानी शनि को ये दोनों प्लेनेट मिलके बली बनाते हैं। तो दूसरा प्लेनेट हमारे लिए और अच्छा हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसमें मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा, शनि भी यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा, यानी एक चीज हमें कन्फर्म होती है कि कहीं ना कहीं 4th हाउस रिलेटेड अच्छा काम होना। भाग्य और कर्म का तो हमें दिख गया कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हद जाती दिखाई दे रही है। चौथे घर पे मंगल शनि का प्रभाव है, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज हमारे लिए क्या है, गुरु, गुरु को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि गुरु कौन है, गुरु 5 जगहों का कारक है, गुरु 5 जगहों का कारक है, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का, लाभ का। अब ये बृहस्पति 12वें घर में है, मित्र मंगल की राशि में, मंगल से दृष्ट हुआ 17 मार्च तक, उच्च के मंगल से गुरु पे दृष्टि है, गुरु को बल मिल रहा है, योग कारक शनि 12वें घर पे बैठे गुरु को देख रहा है, बल मिल रहा है। अब ये 12वां घर क्या है, ये वही है कि धन का कारक वहां बैठा है, तो इसको कहते हैं टूर, ट्रेवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करना, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि आपके लिए कुछ बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर से जुड़कर बनती दिखाई देती है। अब ये गुरु के अंदर और अधिक बल बढ़ जाता है कि 3 फरवरी को गुरु हुए भरणी नक्षत्र में प्रवेश, और भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र कौन है, आपकी राशि के मालिक है, यही शुक्र जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल की स्थिति में यहां होगा, भाग्य, कर्म और लाभ स्थान में उच्च का होगा, यानी बृहस्पति को एक और सपोर्ट मिल गई शुक्र के रूप में। इसीलिए हर बार ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि बृहस्पति मंगल की राशि में होंगे, उच्च का मंगल होगा जो उनको देख रहा होगा, शनि स्वराशि के होंगे तो शनि की दूसरी राशि में मंगल उच्च का होगा, और फिर ये दोनों ही ग्रह बृहस्पति को देख रहे होंगे। इसलिए त्रिग्रह जो संयोग है ना, ये बार बार जीवन में नहीं बनता। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर ये प्लेनेट आपके बली हैं, शनि बली है, गुरु बली है, मंगल को बल मिल रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। तीसरा प्लेनेट गुरु, वो भी 12वें घर से बैठ के यहां देखता है, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, इसका मतलब 4th हाउस एक्टिवेट है, कुछ ना कुछ चौथे घर से संबंधित बड़ा और बेहतर होगा।
कर्म कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा है ही। उसके अलावा जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, बाद में बहुत अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, प्रोफेशनली अच्छा, कर्म के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वो स्थिति है जो बार बार नहीं बनती। इसलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में ये तीन ग्रह मिलकर आपको बहुत कुछ और बहुत बेहतर देने में सक्षम दिखाई देते हैं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के ऊपर त्रिग्रही योग का, त्रिग्रही ग्रहों का चमत्कार। जय श्री राम।